कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता, आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यह मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए मित्रों। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मित्रों? कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई, ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं।